किनार पार में। अब जो मैं आपको बता जा रहा हूं वो सत्य और तथ्य है, इसलिए ध्यान से सुनिए। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना दोस्त ना दुश्मन, ना बातें ना वादे और ना ही इरादे। सियासत में आने से पहले अरविंद केजरीवाल भी इन बातों को सही बताते थे, और सियासत में आने के बाद उन पर आरोप है कि वो इन सभी बातों पर खरा भी उतर रहे हैं। कैसे, सुनिए आज अरविंद केजरीवाल की कहानी। अरविंद केजरीवाल ही थे जो कहते थे कि आरोप लगता ही मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, नैतिकता के आधार पर उसे पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज उनके मंत्री लाइन लगाकर जेल पहुंच रहे हैं तिहाड़ की, और अरविंद केजरीवाल टीवी पे आकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, केजरीवाल ने उन्हें भगत सिंह बता दिया। मनीष सिसोदिया पर जेल की आंच आई तो उन्हें कट्टर ईमानदार का तमगा दे दिया गया, और अब बात जब संजय सिंह तक पहुंची तो जांच रिपोर्ट आए बिना दावा कर दिया गया कि ईडी और सीबीआई को अभी तक कुछ नहीं मिला है, झुंझुना हाथ में है इनके। अब तो जांच की आंच खुद अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आरोप लगते ही या एफआईआर होते ही पद छोड़ देना चाहिए, उन्होंने ईडी के समक्ष पेश होने से भी इनकार कर दिया। उल्टे चिट्ठी लिखकर ईडी से ही कुछ सवाल दाग दिए और पूछा कि यहां तक मांग कर डाली कि दिवाली के पास है इसलिए उन्हें अभी पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। ये बात है कि ये मांग करने के बाद वो मध्य प्रदेश के लिए निकल गए हैं। वैसे इस पर ताज्जुब करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी पर काफी सवाल उठते हैं। सबसे पहले कहा था कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन आ गए। राजनीति में आने के बाद मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, कसम खाता हूं, ना कभी बीजेपी से समर्थन लूंगा, ना ही कभी कांग्रेस से समर्थन लूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन के साथ बनी, और इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। सत्ता में आए तो कहा सुरक्षा नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, मेरा घर इतना ही बड़ा होगा कि बस पैर फैला सके, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले को चमकाने के लिए, सजाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। व्यूअर्स, पता चला है कि उस बंगले में 8-8 लाख के तो पर्दे लगे हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मंच से कहा था कि पुरानी सरकारों के दौरान ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि दिल्ली की गली में और मोहल्लों में शराब की दुकानें खुल गई हैं, और इससे महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि उनके सरकार बनते ही व्यवस्था बदल जाएगी। आप सभी सुनिए। एक अभी एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए, तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना। उन्होंने यह तो वादा कर दिया, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था लेकर आए कि दिल्ली में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी फ्री बटनी शुरू हो गई। अब इसी घोटाले की जांच में पूरी पार्टी संकट से घिरी हुई है। भ्रष्टाचार को एजेंडा बनाकर सियासत में आने वाले, चमकाने वाले अरविंद केजरीवाल पर गले तक भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। हालांकि वो इन सभी आरोपों से इंकार तो करते हैं, वैसे उन पर फिलहाल कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। ऐसे में खुद को बेगुनाह बताना उनका हक भी है, लेकिन जिन बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्ट बताकर पब्लिक में उनका नाम पड़ा करते थे, आज गठबंधन के नाम पर उनके साथ दिखने को वो जस्टिफाई कैसे करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ना दोस्त ना दुश्मन, ना बातें ना वादे और ना ही इरादे, ये कभी परमानेंट नहीं होते, सियासत के मौके की नजाकत का खेल है। लेकिन आप इस खेल में ना फंसे तो ज्यादा अच्छा है। अरविंद केजरीवाल की आज की जो कहानी है वो सबसे पुरानी नहीं है, सबसे नई है, और देश पर इसका असर है।